अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की आज 8वीं वीडियो है। आज के जो हमारे टास्क हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाई चार्ट और एंड पे हम एक एग्जांपल जो है वो बनाएंगे, पाई चार्ट को एक्सेल पे ड्रा भी करेंगे। अब हम देखते हैं कि पाई चार्ट होता क्या है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है। उसके लिए मैंने ये सामने एक पिक्चर रखी है पाई चार्ट की। इसमें अगर आप देखें तो एक सर्कल नज़र आ रहा है और उसके अंदर आपको उस सर्कल के डिफरेंट स्लाइसेस किए गए हैं, पीसेस किए गए हैं, और हर डिफरेंट एक जो पीस है उसके अंदर एक अलहदा परसेंटेज शो की गई है, डिफरेंट परसेंटेज शो की गई है, प्रोपोर्शन भी आप उसे कह सकते हैं, उसको दिखाया गया है। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास एक डाटा हो और उसके डिफरेंट पोर्शंस हों, तो हम हर पोर्शन को अलहदा शो करने के लिए पाई चार्ट को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये इस पिक्चर में अगर आप देखें कि ये एक डाटा लिया गया था कि जिसमें लोगों से पूछा गया कि आपको कौन सा कलर जो है वो पसंद है, तो उसको फिर पाई चार्ट पे इस तरह ड्रा किया गया है कि जैसे 16% ने कहा ब्लू पसंद है, 15 ने ग्रीन का कहा, 12% ने पर्पल का कहा, 9% ने पिंक का कहा। तो इस तरह हमारे पास अगर कोई डाटा हो जिसमें हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस को शो करना चाहें तो उसके लिए पाई चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। अब जो है इस एग्जांपल में, एग्जांपल के लिए जो है वो मैंने एक डाटा जो है पहले से लिखा हुआ है जिसमें आप ये देखें कि लैंग्वेजेस हैं जो पाकिस्तान में बोली जाती हैं, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सराइकी वगैरह, और आगे मैंने लिखी हुई है उनकी परसेंटेज के कितने परसेंट लोग इसे पाकिस्तान में बोलते हैं। जैसे उर्दू 10% है, पंजाबी 48 है, सिंधी 12, सराइकी 10 और ऐसे ही बलोची 3, पश्तो 8। तो इसको अगर हमने पाई चार्ट की फॉर्म में ड्रा करना है, अगर कहीं भी हमें प्रेजेंटेशन में कहीं भी इसकी ज़रूरत है, तो वो हम किस तरह करेंगे। आप सबसे पहले जो है अपनी ये डाटा को सिलेक्ट कर लें। डाटा आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में आपने जाना है क्योंकि जो ग्राफ है वो इंसर्ट में ऑप्शन उसकी मौजूद होती है। इंसर्ट में जाके अब आपने ये देखें, आपको ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट पाई चार्ट और डोनट चार्ट, तो इसमें आपने पाई चार्ट में चले जाना है और ये फर्स्ट जो सिंपल पाई चार्ट है 2D, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। तो ये देखें बड़ा इजीली जो है चार्ट जो है वो हमारा बना दिया है उसने। इसकी हम मज़ीद जो है वो बेहतर जो है वो फॉर्मेटिंग करेंगे। चार्ट का टाइटल जो है वो आप कोई भी दे दें, जैसे कि लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि नीचे इसमें चार्ट के जो सर्कल है इसमें डिफरेंट कलर्स हैं और हर कलर का नीचे जो है उन्होंने लेजेंड जो है वो दिया हुआ है। जैसे ये पंजाबी है, इसका ये मैरून कलर है, उर्दू के लिए ब्लू कलर यूज़ किया गया है, सराइकी के लिए पर्पल कलर जो है वो यूज़ किया गया है। तो इस तरह जो है वो उसने हमारे लिए पाई चार्ट ड्रा कर दिया है। लेकिन अब हम इसको मज़ीद जो है वो इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं, आपने इस पाई चार्ट को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक की तो इधर ऑप्शन आ रही है ऐड डाटा लेबल्स की, तो आपने डाटा लेबल जो है वो ऐड कर देने हैं। अब आप देखें कि जो इसके अंदर जो हमारी परसेंटेज भी थी, जैसे पंजाबी 48% लोग बोलते हैं तो उसमें 48% लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, 12% लोग सिंधी बोलते हैं तो उसमें सिंधी का 12% हमें लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो उसको समझना है वो मज़ीद आसान हो गया है। इसको मज़ीद जो है वो बेहतर बनाने के लिए आप ये देखें कि ऊपर की तरफ मूव करें, डिज़ाइन टूल्स के अंदर ये मुख्तलिफ ऑलरेडी बिल्ट इन जो है वो एक्सेल ने इसके फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। ये ऑलरेडी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है फॉर्मेट, इसके साथ वाला है ये देखें आप, इसके अलावा मज़ीद ये वाला फॉर्मेट है। यहाँ डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट जो है वो एक्सेल ने हमें पहले से गिवन है, इसमें से हम कोई भी फॉर्मेट जो है वो अपनी पसंद का यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। इसके अलावा हम इसमें जो मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं उसमें आपने इसको सेलेक्ट करना है, चार्ट को सेलेक्ट करना है आपने, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट चार्ट एरिया में हम जा सकते हैं, फॉर्मेट चार्ट एरिया के अंदर
फिल की ऑप्शन है हमारे पास। इसका देखें बैकग्राउंड जो है वो हमारा चेंज हो गया, सॉलिड फिल करना है तो ये सॉलिड फिल में ब्लू कलर है। नीचे से आप कलर चेंज जो है वो कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन आती है पिक्चर फिल की भी, यानी कि अगर हम बैकग्राउंड में कोई अपनी पसंद की कोई पिक्चर भी अगर हम लगाना चाहें तो वो भी हम पाई चार्ट में लगा सकते हैं। फिल में जाके ये देखें पिक्चर और टेक्सचर फिल है, पिक्चर फिल में जाएंगे तो, और ये नीचे आ रहा है फाइल, इंसर्ट पिक्चर पिक्चर फ्रॉम फाइल, तो फाइल की ऑप्शंस में जाके आप कोई भी जो है पिक्चर, जैसे ये सैंपल के तौर पे मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ये पिक्चर जो है इसके बैकग्राउंड में भी लग सकती है। इसके अलावा मज़ीद आप इसमें जो है वो कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ये जो हमारे डाटा लेबल्स थे इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसका भी जो इसको हम इस टाइम ये नो फिल हुआ हुआ है इसको हम सॉलिड फिल भी कर सकते हैं। देखें डाटा लेबल्स को भी हाईलाइट कर दिया है उसने। तो इस तरह आप इसको अगर देखें फॉर्मेट एरिया में जाके तो इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है वो आप ऑप्शन जो है मौजूद होती हैं जिसके ज़रिए आप इसको बेहतर बना सकते हैं। बेसिक इसमें यह था कि हमने डाटा को सिलेक्ट करना है, पाई चार्ट में जाना है, पाई चार्ट में जाके हमने ये चार्ट जो है वो ड्रा कर लिया है। इसकी और भी टाइप्स होती हैं, जैसे अगर मैं अब इसको डिलीट करता हूँ इस, या इसको नीचे कर देते हैं, नया एक हम चार्ट जो है वो बनाते हैं। अगर हम नया चार्ट अगर हम बनाना चाहें, इंसर्ट में गए, ये हमने डाटा सेलेक्ट किया है, पाई चार्ट के अंदर डिफरेंट चार्ट्स की भी ऑप्शन मौजूद है, तो अगर आप ये देखें ये 3D पाई चार्ट की भी ऑप्शन मौजूद है। अब आप देखें पहले वो सर्कल जो था वो 2D था, अब इसमें 3D पाई चार्ट जो है वो एक डिस्क की फॉर्म में वो हमें बना दिया है, जो कि सेम वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन एक डिफरेंट तरीके से 3D फॉर्म में जो है वो शो कर रहा है। इसमें भी वही पंजाबी के लिए उसने मैरून सा कलर यूज़ किया। इसमें भी हम अगर डाटा लेबल को इंसर्ट कराना चाहें उसी तरह राइट क्लिक करके डाटा लेबल में जाके हम डाटा लेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। तो देखें आप 48% 12% लिखा हुआ आ गया है। इसको भी अगर हमें साइज़ इंक्रीज़ करना है, जो हमारा ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, होम में जहाँ पे टेक्स्ट की ऑप्शन होती है वहाँ पे जाके आप इस टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर लें ताकि मज़ीद जो है वो बेहतर तरीके से हमें नज़र आ सके। चार्ट के टाइटल को भी एडिट किया जा सकता है, यानी कि जो हमने एडिट चीज़ें हमने 2D फॉर्मेट में हमने पहले की थी वही सेम हम ये 3D जो चार्ट हमने की ऑप्शन मौजूद है इसमें भी हम कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने पाई चार्ट के बारे में पढ़ा है, पाई चार्ट को किस तरह ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो चार्ट की मज़ीद दूसरी फॉर्म्स हैं, एक बार चार्ट भी होता है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे, और भी डिफरेंट फॉर्म्स को चार्ट की को हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।